वो जो सड़कें टूटी हैं वो पिछली सरकार की देन है। जो 10-10 विधायक वहाँ सपा के हैं वो सब निकम्मे हैं। वो कहल जाला गाँव में ना कि निकम्मा आदमी कुछ ना करेला, तो निकम्मा कुछ कहले ही ना हो। जो हमारे कुल में पैदा होकर के और आपने सही उदाहरण पेश किया है, हम कहिला असली यादव देश के बाकी बचे अखिलेश बता रहा हूँ। भगवान सुनत रहना कि हमें बतियावत हुआ भेजी ना तब पता चली। और सही में आप लोग के आशीर्वाद से जब मौका मिला और पहली बार जब हमके वहां लोकसभा में बोलने का मौका मिला, तो पहली बार हम यह बात कहली कि हमारे माई की भाषा, हमारी मातृभाषा भोजपुरी के भी संवैधानिक दर्जा मिले के चाहिए। बतिया जो 20 साल पहले लड़का रानी हो घर निकल है कि केहू जवन किया नहीं, करके दिखाएंगे और गांव की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे। और एक घड़ी आजमगढ़ में हमारे शूटिंग चलत है और जैसे आजमगढ़ में आप लोगों ने कमल खिलाया, आजमगढ़ की पूरी तस्वीर बदल रही है, वैसे ही सकरिया में भी आप लोग कमल खिलाएंगे। रवा जी, सड़क की बात कर रहे थे आप, अभी एक रिपोर्ट छपी है अखबार में कि वहाँ की सड़कें बड़ी बेहाल हैं आजमगढ़ की, आपके संसदीय क्षेत्र की, क्या कहना चाहेंगे? मेरे संसदीय क्षेत्र की जितनी सड़कें हैं वो सब पास हो गई हैं और जैसे ही बरसात खत्म होगी सब बननी भी शुरू हो जाएंगी। लगभग कुछ तो बननी शुरू भी हो गई हैं, क्योंकि अभी हम लोग को आए हुए 3-4 महीने हुए हैं तो हमने सब पास करा लिया है। वो जो सड़कें टूटी हैं वो पिछली सरकार की देन है। जो 10-10 विधायक वहाँ सपा के हैं वो सब निकम्मे हैं। वो कहल जाला गाँव में ना कि निकम्मा आदमी कुछ ना करेला, तो निकम्मा कुछ कहले ही ना हो, यहाँ तक कि अपन हूँ गाँव को सड़क ना बनेंगे। भोजपुरी भाषा कब संविधान में मान्यता दिलाएंगे? पूरी तरह से प्रयासरत हैं। हमारे पहले भी बहुत सारे माननीय सदस्य लोगों ने आवाज़ उठाई थी, मैंने भी संसद में अपनी बात रखी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग इसमें कामयाब होंगे। सकलडीहा विधानसभा में आए हैं, यहाँ भाजपा की लहर में भी आपका कमल नहीं खुला है, स्वजाति लोगों की ज़्यादा संख्या है, क्या कहेंगे? उन लोग सबको जोड़ेंगे और जोड़ के कमल खिलाएंगे, क्योंकि अगर प्रगति करना है, विकास करना है और हमको सकलडीहा को आगे लेके चलना है तो कमल खिलाना ही है।